अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ना एक छोटा सा प्रैंक करने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ। वो प्रैंक मेरी एक व्यूअर ने ही कहा था कि आप ये वाला प्रैंक करिएगा, तो आई होप कि वो मैं उस प्रैंक में कामयाब हो जाऊँ। अभी तो हस्बैंड आसपास नहीं है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं एक क्लिप बना लूँ। और प्रैंक कुछ क्या है मेरे ख्याल में अभी नहीं बताना चाहिए, क्या बता दूँ? हाँ, प्रैंक ऐसा है कि मेरी जो बहन ने मुझे कहा था कि आप ये वाला प्रैंक करिएगा कि अपने पाँव पे जैसे कुछ चोट लग गई है, तो आप फ़ौरन से मतलब कि देखें आपके हस्बैंड क्या रिएक्शन करते हैं उस टाइम पे। तो मैं इसी तरह किचन में काम करते हुए जो है ना वो जानबूझ के गिर जाऊँगी या कुछ ऐसा करूँगी, तो फिर देखते हैं मोबाइल कहीं छुपा कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड वैसे भी इतना ध्यान नहीं देते उधर उधर। तो फिर उनका रिएक्शन जो है वो नोट करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ब्लॉग को कम्प्लीट देखिएगा और लाइक जो करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हो फिर अभी कुछ ही देर बाद। अभी पहले जो है वो मैं गंगा शंगा कर लूँ और अच्छा सा हेयर स्टाइल को बना लूँ, फिर मिलती हूँ। मोबाइल छुपाने का मुझे टाइम मिल गया क्योंकि हस्बैंड को जाना पड़ा है एमरजेंसी ATM पे, तो वो अभी वहाँ जा रहे हैं। तो मैं अच्छे से जगह ढूंढ लूँगी कि कौन सी जगह पे जो है मोबाइल में अपना छुपाऊँ। तो चले भाई, ये तो मज़े की बात है। अभी मैं उनके सामने भी छोटा सा क्लिप बनाती हूँ आपके साथ, तो फिर शेयर करते हैं। तो आगे देखती हूँ मोबाइल कैसे छुपाती हूँ, अल्लाह करे कि इनको पता ना चले प्रैंक का, वरना मज़ा नहीं आता ना। प्लीज़ बैड कमेंट्स नहीं करिएगा और कुछ भी बुरा भला नहीं बोलिएगा, क्योंकि मैंने प्रैंक जो सोचा हुआ था आप लोगों ने वो मना किया, तो मैंने वो वाला प्रैंक नहीं किया। तो अभी जो है वो छोटी मोटी चीज़ें तो मियाँ बीवी में चलती हैं ना यार, मतलब कि आप प्रैंक कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो चलती हैं मियाँ बीवी में। तो आप लोगों ने जो है ना वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और इसके अलावा भी कोई प्रैंक ज़रूर बताइएगा कि जो हम कर पाएँ, ठीक है? अभी हम रेडी हो रहे हैं, असल में मैं अभी रेडी हुई नहीं हूँ, मैंने होना है। आसिफ जो है वो हो रहे हैं, इधर आइएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आसिफ जो है वो तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज हम लोग लेने जा रहे हैं गाड़ी। तो वो उसका तो फ्लॉग हो सकता है अलग आएगा, आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जो है वो मैं मतलब कि देखती हूँ, अभी जो भी रूटीन हुई अपनी आज की वो शेयर करूंगी। तो फिर गाड़ी जो है लेने जाएंगे तो फिर वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है हमारे चैनल को, क्यों मियाँ जी? जी। और सब्सक्राइब करना, बोलते हैं आपके बोलने से शायद कोई मुझे सब्सक्राइब कर। मुझे भूख लगी तो हमें लगी है भूख। अब हम नाश्ता करने वाले हैं और बस अभी मैं भी तैयार हो जो आसिफ तो तैयार हो रहे हैं, फिर उसके बाद अभी ये बैंक जाने लगे हैं ना आप, तो ये बैंक जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी लेने जाएंगे, मैं भी तैयार होंगी, तो फिर निकलेंगे इंशाल्लाह जल्दी ही। तो चलिए अभी पहले नाश्ता कर लें, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। भाई भी सो रहा है, उसको उठा ले जाकर के, तुम भी जल्दी से उठ जाओ। पता नहीं वो जाएगा या नहीं जाएगा, वैसे उसको पूछ लेंगे। आपने पूछा था उसे यासिन से? नहीं, यासिन बता रहा था कि मैंने भी जाना, मैं नहीं व्लॉग बनाना, मैंने कहा बना दीजिएगा। वैसे वो मुझे तो कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, तबीयत उसकी सेट हो जाएगी जब इंशाल्लाह वहां पे जाएगा। तो चले ठीक है, फिर अभी देखते हैं जो भी हमारी तैयारी हुई, जो भी हुआ सब आपके साथ शेयर करें। गाड़ी कौन सी है बताए? वो सरप्राइज है, ना हो सकता है मेरा वो सेकंड व्लॉग हो। वीडियो बनाने में मेरा बाजू तुम्हें चांद पे ले जाए। सी जो है वो चले गए हैं, तो अब मुझे जल्दी से जो है मोबाइल अपना देखना है कि मैं कहाँ पे सेट करूँ। मुझे लग रहा है कि मैं यहीं कहीं सोफे में या इधर उधर कहीं सेट कर देती हूँ, ताकि उनको नज़र भी ना आए और हमारा प्रैंक भी जो है अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं अभी यहाँ किचन में काम करूँगी। तो इधर ही जो है ना वो मैं मतलब कि कुछ गिरने का या पाँव पर चोट लगने का कुछ ऐसा नाटक करने वाली हूँ, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो हस्बैंड का रिएक्शन होगा जो भी, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? थोड़ी देर ड्रामा करूँगी, तो ड्रामा तो चलता ही है ना फिर। तो चले फिर देखते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे रख देती हूँ तो यहाँ पे नज़र आएगा, अगर यहाँ रख कर मैं पीछे ऊपर इसके कोई कपड़ा वगैरह डाल देती हूँ, जैसे इस जगह पे रख कर मोबाइल और इसके पीछे, तो यहाँ से तो नज़र आएगा, है ना? तो कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे नज़र ना आए मोबाइल। तो ये कपड़े कुछ प्रेस करने के लिए भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। अपने भाई को देती हूँ कि वो किसी तरीके से जगह ढूंढ के मोबाइल जो है वो वहाँ पे सेट कर दे, ताकि उसको मतलब कि नज़र भी ना आए, या हो सकता है वो अपने हाथ में पकड़ के रखेगा या कुछ इस तरह से। क्यों यासिन, मतलब कुछ ऐसा करो कि मोबाइल नज़र भी नहीं आए और हमारा प्रैंक जो है ना वो प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, सही है? तो भाई को मैंने सारा बता दिया क्या क्या प्रैंक होगा, किस तरह से होगा, तो वो जो है ना मेरी हेल्प करेगा मोबाइल छुपाने में, या फिर जिस तरह भी मोबाइल रखेगा। जूते में छुपाने या फिर ये जूते में कहीं और रखे हैं ना सोफे पे? मैं भी सोच रही थी, पर नज़र आएगा सोफे पे, यहाँ पे सामने मोबाइल चलेगा। अच्छा, बैक कैमरा ऑन करके मतलब मोबाइल का मुंह उधर कर दें, हाँ ये भी सही है।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मोबाइल अपना सेट कर दिया है। यहाँ पे अभी आपको क्लियर सारा जो है ना वो दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ भी गिरती हूँ या वहाँ भी चोट लगती है, मेरे पाँव को गिरूंगी तो नहीं लेकिन चोट लगेगी, वो किस तरह से वो दिखाती हूँ। ये दुपट्टा मैंने ले लिया जो कि मैं अपने मोबाइल के ऊपर गिरा दूंगी, सिर्फ इसका जो कैमरे का लेंस है ना, लेंस है जो उसके ऊपर नहीं आएगा, बाकी जो दुपट्टा है ना इसके ऊपर पूरा सा कवर कर दूंगी। मोबाइल को मैं इस तरह से कवर कर दूंगी ताकि मोबाइल ना नजर आए, बाकी कैमरा हम जो है ना यहाँ पे ऑन कर देंगे। सही है, जल्दी आ गए हो, की मतलब क्यों? एक बंदे को पैसे लेने थे और उन्होंने काम भी किया था, उन्हें वो चीजा ही पा रही थी, ले आ गए देता। ठीक है, हम तकलीफ ये हो रही, एक मेरी जल्दी है, उन्हें पैसे दे रहे थे, कह रहे कि ये चार आ गए, एक ब्रेक हो गई, एक एक्स्ट्रा होर मंगवाया, कह नहीं मैं सच्ची बताऊं, मैं परेशान हुआ हूं, ये पसीना देख लो आप। नहीं यार, इस तरह नहीं होता, कोई बंदा माड़े दिल का भी होता है, और शुक्र अल्लाह पाक दा माशाल्लाह। नहीं माड़े दिल वाला जे तेरे सट लग जाती फिर की कर दे? सट लगी थी ना मेरे को, सट किथे हां नहीं आंसू की, मैं लिटने वाला होया सी फर्श ते, लिटनियां मारियां हन, मैनू नहीं पता ऐसा कुछ भी नहीं था। देख सकते हो बाहर इन इनू इनू इस जगह नु, ए वाली जेडी जगह, ए वाली ये थोड़ी सी ऊंची है किचन की जगह, इनू सही करवाओ। तो यहाँ से मेरा पाँव जो था ना
मुड़ नहीं गया सी, तो शौहर जो है ना डराना शुरू कर दिता सी। हाँ, अल्लाह सबको जो है ना ऐसा सलूक अंडरस्टैंडिंग दे। अंडरस्टैंडिंग क्या जी, बेगम के ताबेदार बन जाए, जिंदगी सुकून में पाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा ये प्रैंक कैसा लगे, आप लोगों ने अगर मेनू पता होता ना, सच्ची दसा तो मैं, ये मेरी एक बहन ने कहा था कि ये प्रैंक करेगा, पांव पे चोट लगने का, हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। प्रैंक मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी किया है, बहुत ही मजे का। और मैंने भाई, आप भी ने देखा कैसा लगा मेरा प्रैंक? अगर मुझे पता होता ना कि आपने मेरे साथ ऐसे करना, बस बस इतनी भी बात नहीं, बस 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 अन्य भी ड्रामे ना करया करो। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो रास्ते में मैंने अगर पता होता ना तो फिर मैं तेनू ड्रामे करके वखांदा। सच्ची कह रहा हूं, ये रियल ही सी। तो मैंने कंफ्यूजन ये हो गई कि इन्नू सट लगे तो मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मैं रुक रुक के देखा घड़ी खने आंसू आ गए। और यकीन कर, ये मेरा अल्लाह जानदा। और ये कोई मक्खन लगाना ना ऐसे सालों से सीखे, ये जो ऐसे साले होते हैं ना वो बड़े मक्खन लगाते रहते हैं अपने बहनोइयों को। देखिए इनकी तरबियत हो रही है कि आपने अपनी तरबियत, वाह 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 जी। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा प्रैंक है वो आप लोगों को कैसा लगा? टाइम हमारे पास कम है, नाश्ता करना है, फिर उसके बाद तैयार होना है, जाना है गाड़ी लेने के लिए। तो इसके बाद वाला व्लॉग मेरा बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हम लोग लेने जाएंगे गाड़ी, बहुत ही मजा आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा प्रैंक, आई होप कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप इसको वायरल कर देंगे, क्यों इंशाल्लाह। चले जी, बाय बाय कर दें, अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स देखें, प्रैंक करने में नुकसान क्या हो गया मेरे साथ? नुकसान ये हुआ है कि ये कच्ची रोटी उतार दी इन्होंने, ये आपको दिख रही होगी, ये पहली रोटी थी जो मैंने डाली थी और ये मुझे ही खानी पड़ रही है, और ये इन्होंने उतारी कच्ची रोटी। अब ये मेरा नुकसान होगा कि मैं खाऊंगी कच्ची रोटी, वो भी इनके हाथ की बनी हुई। नहीं मैंने दे दिया, अगर तेरा टिट पीड़ कर दे की पता हो जाए। आई होप आज का जो मेरा प्रैंक है वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। शायद मे भी मैं फर्स्ट टाइम जो है मैंने प्रैंक किया था उस तरह से नहीं हो पाया जैसे करना चाहिए था, और नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा सा मुझे कोई वो दें जो मैं प्रैंक जो है उस तरह से कर सकूं, और बाकायदा मुझे वो थोड़ा सा समझा भी दीजिएगा कि इस तरह से आप करें, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी, मोबाइल भी जो है वो अच्छे से प्रॉपर छुपा दिया था, बल्कि इर्मिश को भी नहीं था पता कि मैं प्रैंक करने वाली, इर्मिश को मोबाइल भी नहीं नज़र आया, किसी को भी नज़र आया। तो बस जी, इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक के लिए अपना अपना प्यार का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।